मंडला जिले में आगामी दिनों में होने वाली आदि महोत्सव को लेकर विरोध जारी है। निवास विधायक डॉक्टर अशोक मरसकुड़े ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि जब तक पुरानी घोषणाएं पूरी नहीं की जाती, आदिवासी समाज महोत्सव का विरोध करता रहेगा। मंडला जिले में 15 से 16 फरवरी को होने जा रहे आदि महोत्सव का बिछिया विधायक द्वारा बहिष्कार करने के बाद अब निवास विधायक अशोक मरसकुड़े ने मोर्चा खोल दिया है। निवास विधायक डॉक्टर अशोक मरसकुड़े ने भी कहा कि आदिवासी समाज को लेकर पूर्व में की गई घोषणाएं पूरी नहीं होती, उनका विरोध जारी रहेगा। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक विवाह को भी गलत समय में किया जाना बताया है। जो एक चीज और आई है सामने कि बगैर मुहूर्त के यहां पे विवाह करवाए जा रहे हैं, ये कहां तक सही है? ये लोग आदिवासी संस्कृति के बारे में जानते हैं नहीं जानते हैं मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन ये अपने उंगलियों पे आदिवासियों को नचाना जानते हैं। और यही इसका परिणाम है कि इन्होंने 15 दिन पहले इस कार्यक्रम का डिसीजन लिया है और आनंद फानंद में विवाह की कार्य योजना बना रहे हैं। हमारी सांस्कृतिक पद्धति में होली के बाद में हमारे जो त्यौहार आते हैं उसके बाद में हमारे विवाहों की हमारे अपने रीति रिवाज से विवाह का आयोजन होता है। ये पकड़ पकड़ के विवाह की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही हास्यप्रद है कि ये क्या है। ये हमारे प्रतिनिधित्व की बात तो कहते हैं लेकिन हमारे बारे में जानते नहीं, आदिवासी संस्कृति के बारे में जानते नहीं है। पूरा का पूरा जो काम प्रशासन को दे दिया, जब पूरा काम ही प्रशासन करेगा तो आदिवासी समाज कहाँ गया? आदिवासी सामाजिक संगठन के लोग कहाँ गए? सिर्फ आदिवासी सिर्फ नाचने के लिए हैं क्या? या जो मेहमान आते हैं उनको आदिवासियों का नृत्य दिखाने के लिए किए जाते हैं क्या? हम बहुत विरोध कर रहे हैं इस नीति का। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।